और अब बात शाहीन बाग की, जहां लगातार दो दिन की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। आज तीसरा दिन है और वार्ताकार आज भी शाहीन बाग जाएंगे या नहीं, इस पर थोड़ा संशय है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अपनी बात पर अड़े हैं, जबकि वार्ताकारों की कोशिश है कि बंद रास्ता खुल जाए ताकि आम लोगों को प्रदर्शन से हो रही दिक्कतों से छुटकारा मिले। शाहीनबाग का रास्ता खुलवाने के लिए गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार यहां पहुंचे। वार्ताकारों ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वो उन पर भरोसा रखें। वार्ताकारों ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि शाहीनबाग बरकरार रहे और मिसाल बने, लेकिन प्रदर्शन इसी एरिया में किसी दूसरी जगह पर हो। आप घूम घूम कर मत सब ठीक है। हमारा ईमान है कोशिश करना, पूरी कोशिश के बाद अगर बात नहीं बनती तो केस वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बातचीत के दौरान महिलाओं के एक साथ बोलने पर कुछ देर के लिए वार्ताकार साधना रामचंद्रन का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने कहा कि 20-20 महिलाओं का ग्रुप बनाकर बात करें, वरना वो दोबारा नहीं आ पाएंगी। हालांकि बाद में साधना रामचंद्रन ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से वार्ता जारी रहेगी। दूसरे वार्ताकार संजय हेगड़े ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई में वो उनके साथ खड़े हैं। हेगड़े ने वादा किया कि वो प्रदर्शनकारियों की आवाज को देश की सबसे बड़ी अदालत में पूरे बुलंद तरीके से उठाएंगे। आप ये कह रहे हैं, आपका शायद ये कहना है कि अगर आप यहाँ से निकले तो और कोई नहीं आएगा सुनवाई के लिए, यही तो डर है ना कि कोई नहीं आएगा सुनवाई के लिए, कोई नहीं होगा सुनने वाला। आज जब तक हम हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट है, आपकी सुनवाई कोई नहीं रोक सकता। वार्ताकारों के इस भरोसे के बावजूद शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी सड़क से हटने को तैयार नहीं हैं, लिहाजा दो दिन बाद भी वार्ताकार और प्रदर्शनकारी वहीं पर खड़े हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। वार्ताकारों की कोशिश है कि बंद सड़क को खुलवाया जाए, लेकिन प्रदर्शनकारी यहां से हटने को तैयार नहीं है। धरना यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेगा, ये हमारी होमलैंड है, हमने यहीं से शुरू किया है और हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात पूरी नहीं होगी। मतलब हमने सारी अपनी बातें रखी, हमने अपनी रखी, फिर उन्होंने भी अपनी बातें रखी, तो हमें पूरा भरोसा है और हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट का कि वो भी हमारी बात सरकार तक ये इस काले कानून के लिए मतलब पहुँचाए। दो दिन की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद भी ज्यादातर लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। देखो, मैं समझता हूं कि बहुत ही संजीदा और अच्छा कदम है ये, क्योंकि दोनों तरफ से एक तरफ से हट हो गई थी, तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ उम्मीद तो बनती है कि बात बढ़ेगी। ये अच्छी बात है कि इंटरलॉक्यूटर्स हर रोज जा रहे हैं, मगर इन बातों में समय लगता है, पेशेंस चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन लोगों को नियुक्त किया है, इसका मतलब ये मध्यस्थता का मतलब होता है कुछ दीजिए कुछ लीजिए, तो सरकार अगर मैं समझता हूँ इस पर काम करेगी तो